क्या रायबरेली से जीत पाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी? आइए जानते कौन है उनके सामने सोनिया गांधी का करीबी। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट अब चर्चा का विषय बन चुकी है। दरअसल यहां कुछ ऐसा हुआ है जिसकी उम्मीद बहुत कम थी। रायबरेली लोकसभा सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार यहाँ मुकाबला कड़ा देखने को मिलने वाला है। कारण यह है कि रायबरेली सीट से राहुल गांधी प्रत्याशी बन चुके हैं। हालांकि घोषणा होने से पहले उम्मीद यही थी कि वो शायद अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और अब रायबरेली से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। अगर पिछले चुनावी नतीजों पर नजर डाले तो राहुल गांधी के लिए रास्ता आसान बन रहा है, क्योंकि पिछली बार यहाँ से उनकी माता सोनिया गांधी ने भारी अंतर से जीत हासिल की थी। उन्होंने तब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को 1,67,178 वोटों के अंतर से इस सीट पर हराया था। अब एक बार फिर कांग्रेस को दिनेश प्रताप सिंह टक्कर देने वाले हैं। दिनेश प्रताप सिंह की रायबरेली क्षेत्र में अच्छी पकड़ मानी जाती है। दरअसल दिनेश प्रताप सिंह पहले कांग्रेस के ही एमएलसी रह चुके हैं और वह सोनिया गांधी के बेहद करीबी थे। बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। जनता के बीच उनकी अच्छी पकड़ को देखते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया था, लेकिन उनके सामने सोनिया गांधी थी तो हार नसीब हुई। रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही है और पिछले चुनाव में भी सोनिया गांधी ने ही जीत दर्ज की थी। यही वजह कि इस सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा आत्मविश्वास में दिख रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें 2014 के चुनाव की, तो रायबरेली में तब भी कांग्रेस की लहर थी। हालांकि उस समय देश में मोदी लहर आई थी। 2014 में भी सोनिया गांधी ने यहां से चुनाव लड़ा था। तब सोनिया गांधी को 5,26,434 वोट मिले थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अक्षय अग्रवाल को 1,73,721 वोट ही मिले थे और दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह सोनिया गांधी ने मोदी लहर में भी 3,52,713 वोटों से यहां से जीत दर्ज की थी। बता दें कि रायबरेली लोकसभा सीट पर 1952 के चुनाव के बाद से सबसे अधिक बार गांधी परिवार का ही कब्जा रहा है। राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी यहां से पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के साथ साथ 2 बार यहाँ से अरुण नेहरू भी सांसद रह चुके हैं। ऐसे में गांधी परिवार की विरासत वाली सीट पर राहुल गांधी को उतारने का फैसला लिया गया है और एक बार फिर से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनके सामने कांग्रेस ने इतने बड़े चेहरे को उतार दिया है और गांधी परिवार की यह पारंपरिक सीट है, तो यहाँ से राहुल गांधी की जीत भी तय नजर आ रही है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या रायबरेली चुनाव से 2024 में दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी का सामना कर पाएंगे? धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।